आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने घर में अपने साथ बैठकर बहुजन समाज के लोगों को खाना खाने की अनुमति नहीं देते हैं। एक समय ऐसा भी था जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने एक दोस्त के घर गए, जहां नौकरों ने ये कहते हुए बाबा साहेब को खाना नहीं परोसा या खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जाति से हैं। इससे आपको समझ आ गया होगा कि हमारे समाज में ये जाति की बीमारी कितनी घुस चुकी है। इन सब बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज हम फिर बाबा साहेब और जाति के विषय पर बात करेंगे, लेकिन आज हम अंबेडकर के उस शौक के बारे में बात करेंगे जो उस समय से लेकर आज तक करोड़ों लोगों के दिल में बसा हुआ है। आपको इससे पहले के वीडियो में हमने बाबा साहेब के कुत्तों और गार्डनिंग के शौक के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब के खाना बनाने के शौक के बारे में और किस तरह हमारे संविधान निर्माता के इस शौक ने देश की जनता का दिल जीत लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खाना बनाने के बहुत शौकीन थे। कभी कभी वो अपनी छुट्टियों में घर पर खाना बनाया करते थे। अंबेडकर की दिलचस्पी सिर्फ खाना बनाने में नहीं थी, बल्कि वो दूसरों को अपने हाथों से खाना खिलाने का भी बहुत शौक रखते थे। वो अक्सर अपने घर पर जब भी खाना बनाते थे तो दूसरे लोगों को खाने पर आमंत्रित करना नहीं भूलते थे। आपको इस बात का प्रमाण देवी दयाल की किताब डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर से भी मिल जाएगा। देवी दयाल अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 सितंबर 1944 का दिन था जब बाबा साहेब ने दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मिनम्बर शिवराज को खाने पर इनवाइट किया था। उस दिन बाबा साहेब ने अपने हाथों से 7 पकवान बनाए थे। देवी दयाल के अनुसार संविधान निर्माता ने इन सारे पकवानों को महज 3 घंटे में बना लिया था। फेडरेशन की प्रमुख मिनम्बर शिवराज ये जानकर दंग रह गईं कि देश के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने अपने हाथों से उनके लिए पकवान बनाया है। सोहनलाल शास्त्री ने अपनी किताब बाबा साहेब के संपर्क में 25 वर्ष में लिखा है कि अंबेडकर मूली और सरसों का साग बहुत शौक से बनाया करते थे। शास्त्री अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि बाबा साहेब को पंजाबी स्टाइल का साग बहुत ज्यादा पसंद था, इस कारण हम लोग मिलकर साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे। इन सभी किताबों से आपको ये साफ हो गया होगा कि बाबा साहेब को खाना बनाने और दूसरों को खिलाने का कितना ज्यादा शौक था और उनके इसी शौक के कारण देश की जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी। आपने ऐसे बहुत कम नेताओं या फिर बहुचर्चित लोगों को देखा होगा जो अपने से छोटे पद के अधिकारियों के लिए खुद ही खाना बनाते हो, लेकिन अंबेडकर की यही बात उनको औरों से अलग खड़ा करती है। वेल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।